ये ना ऐसे के ऐसे रहेगा अगर इसको कोई ना छेड़े। सुबह सुबह का व्यू क्या मस्त व्यू है भाई, केदारनाथ धाम का भाई, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और ठंडक ही ठंडक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत आज के एक और नई वीडियो में। आज काफी दिनों बाद ना बहुत ही अच्छी नींद आई क्योंकि आज रूम मिल गया था ना, मजे से सोए दोनों भाई, रिलैक्स तरीके से उठे हैं, ठीक है। तो आज का प्लान बताता हूँ, सबसे पहले क्या करना है पहले बता, पगड़ी दे ला, वो पग दियाँ पूनियाँ करानियाँ पैदा ने, तो अर्श भाई की पगड़ी की पूनी बोलते हैं इसको, वो हमें करानी पड़ती है। तो आज का प्लान कुछ ऐसा भाई, सबसे पहले हम जाएंगे ऊपर भगवान भैरवनाथ जी के दर्शन करने, उसके हाँ हाँ चलो सही है, ला अरे सही है इधर बाहर आ जाओ थोड़ी सी, इनको अंदर जाना भैया को, अरे इनको अंदर जाना है, रास्ता रोक के खड़ा यार तू। तो प्लान कुछ ऐसा, पहले बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद हमें पता करना है कि आज डोली कितने बजे बाहर निकलेगी, क्योंकि डोली आज निकलेगा 14 तारीख है और कल को नीचे की तरफ चली जाएगी, तो शायद 4-5 बजे के आस है ना भैया, किस टाइम निकलेगी आज? नहीं मैंने सुना आज ही निकाल देंगे, एक बार आज नहीं निकालेंगे, 8 बजे तक चलेगी, मतलब कल कपाट कल बंद होगी सही थे। ओके ओके चलो फिर तो सही है भाई, फिर तो मजे से होगा, ढोल बजेंगे, ढोल ढमाका पूरा फंक्शन होगा तगड़े तरीके वाला। अच्छा और लोग आएंगे दूर दूर से। अच्छा अच्छा मतलब पूरी रौनक होगी, जैसी ओपनिंग होती है वैसी होती है क्लोजिंग, जैसे होती है ओपनिंग वैसी एंडिंग होती है। अच्छा ठीक है, आप कहाँ से भैया? यहीं से। अच्छा ठीक है, अच्छा ओके तो ठीक है भाई, देखेंगे आज नहीं कल देखेंगे क्लोजिंग सेरेमनी, ठीक है। अभी फिलहाल बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करते हैं भाई, और भाई नहाने को मन नहीं कर रहा सच्ची है, ठंड बहुत ज़्यादा, क्या करें यार, इधर आके कल नहाए थे बस, एक दिन छोड़ के नहा सकता बंदा, डेली नहा सकता ना भैया, डेली नहाया नहीं जाता ना, हो नहीं सकता ना, एक तो पानी महंगा है, 100 रुपये की बाल्टी देते हैं। मंदिर कहाँ पे है? मंदिर भैया आगे सीधा जाके, ये आगे से राइट, हाँ आप देख सकते हो भाई, बर्फी बर्फ है तो कहाँ नहाया जाएगा। ठीक है अर्श भाई पगड़ी बांधते हैं, उसके बाद चलते हैं यहाँ से। और भाई आज पहाड़ दिख रहा है वो बड़े वाला, जो कल नहीं दिख रहा था, कल फोगी मौसम था ना, इस चक्कर में शाम तक फिर हो जाएगा वैसे मौसम, ऐसे ही होता है, सुबह अच्छा मौसम होता है शाम को फिर खराब होता है, और हेलीकॉप्टर ना सुबह ही चलना शुरू हो जाते हैं टाइम से, और शाम को टाइम से बंद हो जाते हैं। आज वहाँ जाना हो चोटी पर, 1 किलोमीटर का ट्रैक बता रहे हैं, बाकी पता नहीं चल के पता लगेगा कितने किलोमीटर का ट्रैक है, कपाट तो बंद हो रखे बाबा भैरवनाथ के, बट बाहर से दर्शन हो जाते हैं। जी हर्ष भाई भी रेडी होके आ चुके हैं, पगड़ी बांधनी होती है बस रेडी हो जाते हैं, यहाँ कौन सा नहाना है, कल नहाए थे आज नहाएंगे नहीं, कल नीचे जाके नहाएंगे ना। और भाई ये सुबह सुबह अलकनंदा का खूबसूरत सा नज़ारा और साथ में खूबसूरत सी आवाज, ठीक है भाई अभी चल रहे हैं, सबसे पहले खाना खाना है, चाय पीनी है, पानी पीना है यार, कुछ तो पी लिया, कल से पानी भी नहीं पिया, इतना ठंडा पानी मन ही नहीं करता पीने को यार, क्या करे, और गर्म पानी किसी दुकानदार से मांगे वो देते नहीं है। कल हमने ना बोतल ली 30 रुपए की, हमने बोला गर्म करके दे दो, अर्श भाई ने बोला क्या बोला था वो जिसको गर्म करने के लिए बोला था, ठंडी लेनी ले लो नहीं तो नहीं मिलेगी। अच्छा और गर्म करके फिर कितने की दी? गर्म करके दूसरे दिन दी थी। कितने की? पर वो तो अच्छा आदमी था, नहीं 80 की बोतल थी, 80 की गर्म करके दी, 80 की बोतल 30 की बोतल 80 की दी, गर्म करके हिसाब लगा लो कितना, मतलब क्या बोले, चलो छोड़ो एक दिन की बात है, औखे सौखे और निकाल लेंगे ना। चलो भाई चलते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन कराएंगे आपको। बाकी ट्रैक काफ़ी अच्छा है भाई, सीधा बिल्कुल जाता है, और बस बर्फ़ ज़्यादा नहीं है, हल्की हल्की ही बर्फ़ है, जैसे दागी दागी सी बर्फ़ होती है ना, ऐसी जेबरा टाइप, नहीं छोटे छोटे ट्रैक्टर ना जो इनकी भी जैक वाली ट्रैली बना रखी है, जैसे बड़े ट्रैक्टर की होती है ना वैसी उठाने वाली, देखना इसमें ना वो लेके आए हैं, रेत बोलते हैं, रेत कोरसेंट। ये जो छोटे छोटे ट्रैक्टर है ना 4x4 बना रखे हैं भाई, बहुत जान है इनके अंदर, आराम से चढ़ जाते हैं। और भाई ये तो कैसी बना रखी है, स्नो बाइक बोलते हैं ना इसको,
बाइक का इंजन है, जैसी वो स्नो बाइक चलती है उसी का थोड़ा बड़ा वर्जन बना दिया भाई। कल भी दिखाई दी आपको, इधर बर्फ ना कल से ज्यादा हो रखी है क्योंकि धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है ना इस चक्कर में। आज ये दुकानें भी बंद होती जा रही हैं, ये भी अपना घर की तरफ जा रहे हैं समेट के सारा सामान। लो भाई, दोनों भाई खाना पीना आ चुका है। इधर खाना खाने आए थे जहाँ पर पिछली बार कैंप में रुके थे, पिछली बार नहीं मतलब कल रुके थे भाई। हाँ। और मैंने बोल रहा था ना सिर पर गर्म करके बोतल पानी की देते हैं। हाँ। हर्ष भाई ने अब बताया बोतल ही पानी की अस्सी की देते, चाहे ठंडी हो गर्म है ना। हाँ, वो गर्म तो प्यार करके रिक्वेस्ट करके। ठीक है, अभी ना सीधा रूम पर चलते हैं, थोड़ी सी वीडियो एडिट करने रह गई है, उसका काम फिनिश करके ना फिर ही जाएंगे बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए, नहीं तो फिर टेंशन रहेगी वीडियो की। सब फिनिश करके चलते हैं, ठीक है। लो भाई जी, वीडियो का काम सारा फिनिश हो चुका है, अब दोनों भाई दोबारा निकल चुके हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए, बाबा भैरवनाथ जी के। और भाई इस टाइम मौसम देखो कैसा हो गया एकदम से, मैं बोल रहा था शाम होते होते मौसम ख़राब होने लग जाएगा, वैसे ही होने लग गया। देखो चेक करो, कल जैसे ही हो जाएगा शाम तक पूरा, मतलब धुंधला धुंधला फोगी फोगी सा बादल बादल हो जाएंगे और ऊपर शायद ठंड और भी ज़्यादा लगेगी। चलो चलते हैं, इधर से जाना वो वाला ब्रिज क्रॉस करके, वो सामने वाला पहाड़ ना फिर से ढक गया भाई बादलों के पीछे। हो देखो कितने अच्छे अच्छे होल बनाए जा रहे हैं भाई, नीचे सारी लकड़ी लगी हुई है और ऊपर से कुछ ऐसा बना हो भाई। ठीक है, ये वाला ब्रिज है, क्रॉस करते हैं। चलो भाई चलते हैं। और ये मंदाकिनी एक छोटा सा ब्रिज उधर भी बना हुआ, देखो छोटा सा बना हुआ है। इधर ना अलवर वालों का भंडारा भी चलता है, बट फिलहाल अभी बंद होता है, बट जब क्लोजिंग से पहले, अभी तो क्लोजिंग का टाइम है ना इस चक्कर में, नहीं तो भाई लगभग चलता ही रहता है। हर्ष भाई स्वर्ग का रास्ता, हाँ सीधा आ जाओ बजाना हर्ष भाई, मैं भी बना वीडियो थोड़ी देर। बुझाने के लिए अंदर आई कुछ नहीं है, ये छोटी में है, बॉडी में कुछ नहीं है, खाली है वो देख। चोरी नहीं, खुद ही निकाला होगा इन्होंने, पुराना होगा ना, टूट गया होगा। नहीं है, अरे नहीं है। इधर एक छोटा सा ना ये मंदिर है, भंडारे वालों का है, क्या सिस्टम है, भव्य आयोजन। हाँ भंडारे वालों का है भाई। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना हवा बढ़ती जा रही, ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही है ना हर्ष भाई। मैंने गलती कर दी, कैप लेके आना था, नहीं तो जुकाम लग जाएगा अगर कैप लेके नहीं आया तो। बाकी ठीक है, अब तो लेके नहीं, अब क्या हो सकता है। तो भाई चलते चलते ना अपने कुछ भाई लोग मिले जो वीडियो वगैरह देखते हैं। कैसे भैया? बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है, कहाँ से हो? गौरव दिल्ली से। गौरव दिल्ली से आप? मानजू दिल्ली से। और वो भैया? हैदराबाद से। हैदराबाद से। हैदराबाद से, ओके भाई। तो तीन भाई मिल चुके हैं, अब आगे का सफर इनके साथ रहेगा बाबा भैरवनाथ जी का। चलते हैं भाई, पता ही नहीं लगा कब अपना ट्रैक पूरा हो गया, अभी चले थे और पहुंच भी गए। कितना होगा, 100 मीटर होगा भैया ना, सामने दरबार बस। देख तो सो ही रहा है, सो ही है, ज्यादा नहीं है। तो भाई हमने भी सोचा है नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे ना अपने कैंप साथ लेके आएंगे, क्योंकि ऊपर से दिखाई दे रहा है और नीचे से भी हमें काफी कंफर्म किया है कैंपिंग की जगह बहुत ज्यादा, जहां मर्जी कैंप लगा सकते हैं। अगर होटल में रूम लेते हैं ना तो बहुत एक्सपेंसिव हाँ। पड़ता है, समझ लो पर पर्सन 2000 रुपीज पड़ जाता है हाँ। तो 2000 रुपए अगर पर पर्सन देना है और वो भी हमें 5-5 दिन 6-6 दिन रहना होता है यहाँ पे, तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, ज्यादा कॉस्टली। इसलिए कैंप लेके आएंगे भाई। और यहाँ से एक बार चेक करो सारा केदारनाथ, देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है भाई। और सामने देखो कितनी लंबी लाइन लगी है भाई, वो दिखाता हूँ, देखो वो देखो भाई, वो देखो कितनी लंबी लाइन लग चुकी है ना, नहीं तो हम तो जल्दी दर्शन कराए कल। और भाई मेरे को याद है जब 2013 में आपदा आई थी ना, वो सारी लैंडस्लाइड हुई थी, देखो भाई ये सारा कुछ बह गया था, सिर्फ मंदिर परिसर ही बचा था, बाकी सब जो जितना भी कुछ बना हो ना सब बह गया था भाई। देखो भाई कितने बुरे हालात हुए होंगे उस टाइम, और कितना भयानक दृश्य होता होगा जो लोग इधर फंस गए थे और जिनकी जाने चली गई ना हर्ष भाई। भाई एक बात और भाई, 2013 की आपदा के बाद प्रशासन ने ना एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है, चारों तरफ ना आपको राउंड सा दिख रहा होगा, ये दीवार सी बनी दिख रही होगी, इतनी मजबूत दीवार बना दिया, अगर आने वाले टाइम में कभी आपदा आए पानी ज़्यादा आ जाए ना तो बाहर बाहर साइडों से चला जाएगा, दोनों तरफ ये छोटी छोटी रिवर ना जो मंदाकिनी रिवर बन जाती है साइडों से निकल जाएगा आने वाले टाइम। तो भाई इन पहाड़ों पर ना हल्की हल्की बूटियाँ उगी हुई हैं, ये थोड़ी बड़ी बड़ी भी है, कुछ छोटे छोटे घास टाइप भी है, बर्फ़ के कारण सारी सूखी सूखी सी हो रखी है, और इससे पहले थोड़ी हरी होती होंगी क्योंकि बर्फ़ तो अभी शुरू हुई ना, उससे पहले बर्फ़ नहीं थी। ठीक है, हरियाली होती होगी, बाकी हम तो इस टाइम है, इस टाइम तो लद्दाख जैसा लग रहा है ना हर्ष भाई, लद्दाख में ऐसे पहाड़ होते हैं सूखे सूखे से।
फाइनली पहुंच चुके हैं भाई, बिल्कुल 50 मीटर रह गया होगा, ज़्यादा नहीं है, बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर में भाई। ऊपर तो बड़ा खूबसूरत माहौल बना हुआ भाई, देखना और इस ग्लेशियर में बर्फ ज़्यादा भाई, ठीक है। ये वाली शिला ना पत्थर है जो, इसके पास ऊपर जाना है, वो ऊपर कुछ बना रखा है, जाकर दिखाते हैं क्या है। उधर हेलीकॉप्टर आए जा रहे, जाए जा रहे। वाह यार, ये भी पुराने पुराने कुटिया टाइप बने हुए हैं, घर वगैरह पहले भी रहते होंगे कोई इधर, और कुछ नए बने हुए हैं, और कुछ लोग ऊपर चढ़े, देखो कहाँ तक पहुँचे हैं भाई। चलो चलते हैं, पहले भगवान जी के दर्शन करते हैं, फिर इधर उधर पहाड़ पे चढ़ जाएंगे। ये वाला मेन गेट है भाई इधर का, कृपया जूते यहाँ उतारे, बट सभी ने आगे उतार रखे हैं। चलो कोई ना, ओ, बड़ी आवाज है इधर, प्रणाम बाबा जी। इधर कुटिया बनी है, बाबा जी बैठे हैं, और ये है जी मेन बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर भाई। वो गेट बंद है सामने वाला भाई, ये वाला शेड टाइप का बना हुआ जो भाई, यहाँ से दर्शन कराते हैं। ये कल वाली डोगी के साथ यहाँ पे दर्शन करने आए हैं, लो भाई। और ये वाला गेट है जो बंद हो गया है, पहले शायद ऊपर तक जाने देते हैं, वहाँ तक दर्शन करने देते हैं, यहीं से दर्शन करो भाई, कितनी अच्छी जगह है। ये जी बाबा भैरवनाथ जी का दरबार, नीचे से काफ़ी दिन से, मतलब 2 दिन से देख रहे थे, आज देखने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, काफ़ी अच्छी लोकेशन पर। अब आपको आसपास कहीं पहाड़ पर चढ़ के वहाँ का व्यू दिखाते हैं भाई। इधर भी काफ़ी ज़्यादा घंटियाँ लगी हुई हैं, मैंने अभी बाद में देखी, देखना यहाँ भी वही सिस्टम होता होगा मान्यता के अनुसार, जिसकी मान्यता पूरी हो गई वो यहाँ घंटी बांध के चला गया होगा भाई, देखो। तो भाई अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, थोड़ा सा राउंड लगा के आऊंगा, ऊपर का व्यू देखूँ कैसा लग रहा है, शायद उसके पीछे कोई घाटी वगैरह, कोई तालाब वगैरह, कुछ ना कुछ देखने को अच्छा सा मिल जाए। आरसी भाई बोल रहे मैं तो नहीं जाऊँगा, बोल रहा मैं थक गया हूँ, ठीक है। चलो भाई ये डॉगी भी साथ जाएगा, चलो भाई चल 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 चल, ये हमारे साथ जाएगा। और उधर कुछ किसी ने बना रखा है बर्फ का, वो भी दिखाता हूँ। चलो भाई वो काफ़ी ज़्यादा डॉगी इधर, तो ये तो ग्रुप ही है इनका भाई। चलो भाई यहाँ से एक व्यू चेक करो, अब सीधा ऊपर जाके मिलते हैं आपको। तो वही ऊपर आके कुछ ऐसा है, अगर हरियाली होती तो अलग सा बुग्याल टाइप दिखाई देता, वो सामने ऐसा लगा सीढ़ी नुमा खेतो, बट बने हैं वैसे है। खेती कोई नहीं करता, कोई रहता नहीं यहाँ। चलो भाई चलते, वाह ऐसे चेक करो भाई, कितना अच्छा व्यू बना, सांस चढ़ गया, बाकर चढ़ा। ये वाला ग्लेशियर ऊपर बर्फबारी हो रही है, स्नोफॉल हो रही है, ठीक है। ज़्यादा आगे नहीं चलते, यहाँ से रास्ता बना, इस ग्लेशियर के ऊपर जाते हैं, उसके बाद फिर चले जाएंगे वापस हर्ष भाई के पास। चलो भाई ये रास्ता बना हुआ है, देखो बर्फ ही बर्फ भाई। इधर से चलें, इधर से चलते हैं, बट इधर फिसलने का डर है, यहाँ लोग आते हैं ना ज़्यादातर, तो जो बर्फ होती है दब जाती है, तो इस चक्कर में फिसलन ज़्यादा हो जाती है। वो आगे तक लोग पहुँचे हुए हैं, और भाई ऊपर भी क्या बना हुआ है, तारबंदी सी वाला कुछ, तारे वगैरह लगा के दिखाते हैं। फिलहाल एक चीज़ आपको दिखानी थी, मैं नीचे से बोला था ना, वो दिखाता हूँ भाई। काफ़ी ज़्यादा जड़ी बूटी सी होती है इधर, काफ़ी टहनियाँ सी पड़ी हैं। चलो भाई दिखाता हूँ। लो भाई जी दर्शन करो, बिल्कुल एज पर जाके किसी ने बना रखा है, यहाँ से फिसलने का ना पूरा डर है भाई, अगर पाँव फिसला तो ग्लेशियर से नीचे चले जाएंगे भाई। यहाँ पर किसी ने ना शिवलिंग बना रखा, कितना अच्छा, देखो भाई। ये देखो भाई है ना कितना मस्त। देखो भाई कितना अच्छा बना रखा है बर्फ का। वाओ वाओ, ये ना ऐसे के ऐसे रहेगा अगर इसको कोई ना छेड़े, क्योंकि अब बर्फ बढ़ती जानी घटनी तो है नहीं है, बट ये बर्फ के नीचे दब जाएगा ये बात है, पर जब तक नहीं दबेगा तब तक ऐसे ही रहेगा,
चलो भी जय भोले की। चलो भैया यहाँ से आगे जाकर व्यू दिखाता हूँ अच्छा सा। चलो भाई, और ये जी बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर सामने, सारा केदारनाथ। ओपनिंग के बाद जून जुलाई जब बिल्कुल बर्फ खत्म हो जाती, थोड़ा गर्मियों का पीक सीजन होता है, तब यहाँ पर आने का अलग ही मजा होगा। ये सारी घाटी आपको हरी हरी दिखाई देगी, जो भी ब्राउन ब्राउन सूखी सूखी और थोड़ी थोड़ी बर्फीली दिखाई दे रही है, तब अलग ही मजा होगा। और वो सामने पहले दिखाता हूँ भाई, उधर चेक करो, वो बाड़बंदी सी कर रखी है भाई, वो देखो उनकी इस चीज़ के लिए। चलो आगे तो नहीं जाएंगे, असली व्यू तो यहीं से दिखा भाई। चलो चलते हैं, सिर्फ लद्दाख में जाते हैं ना, वो बुद्ध धर्म के मंदिर होते हैं वहाँ पर, ऐसे कुछ पत्थर लगा के बना रखे होते हैं, ऐसे यहाँ भी बना रखे हैं। कुछ मान्यता होती होगी अलग अलग, सबकी अलग अलग मान्यता होती है, ठीक है भाई। बट नीचे जाना मुश्किल है, फिसलन वाला ज़्यादा है ना, दिखाता हूँ। ये देखो भाई, फिसलन ज़्यादा है, और यहाँ से निकल निकल के ना ये बर्फ बिल्कुल पक गई है, मतलब जैसे ब्लैक आइस होती है ना फिसलन वाली, वैसी हो गई है उत्तरी, तो बंदा गिर सकता है, और गिरा तो भाई इस ग्लेशियर से सीधा बाबा भैरवनाथ मंदिर जी के पास से होता था नीचे केदारनाथ, डायरेक्ट पहुंच जाएगा भाई। बट हमने डायरेक्ट नहीं जाना भाई, हमने हाँ जी जी जरूर। तो अभी एक सिस्टर जी थे, वो बोले मेरी पिक्चर क्लिक कर दो, तो मैंने बोला कोई ना कर देते हैं, ठीक है। अभी चल रहे हैं वापस, फर्श भाई पता नहीं कहाँ जाके वेट कर रहा है, क्या तो नीचे ना चला गया वो। ओके ओके, बाकी भाई ये वाला ग्लेशियर मस्त है भाई, यहाँ पर ना फोटो खिंचवाने कितना मजा आता, यहाँ से अगर फोटो क्लिक करते ना, देखना कितना अच्छा व्यू आ रहा है, वो सही लोकेशन पर खड़े हैं वो। चलो कोई ना, भाई भाई फिसल गया यार, मतलब बहुत ही लचीली मिट्टी है यार, बड़ा ध्यान से चलना पड़ता है। चलो अब वीडियो नहीं बनाते, सीधा अर्श भाई के वहां से मिलते हैं, दोबारा गिर गया ना फिर पता, वो सामने तार बंदी है उसमें जाके अटक जाऊंगा भाई। कैप ना डाल के आने का कारण जुकाम लग गया, इनकी ठंडी बर्फीली हवाएं चलती है यहाँ पर। मैंने सोचा अर्श भाई जा चुके होंगे, बट वो सामने खड़ा है। हर्ष भाई, हर्ष गिर गया, और क्या लचीली सी मिट्टी थी, फिसल गया। मैंने कहा भी ऐसी जगह मत जाया करो, अरे व्यू अच्छा था ऊपर सच्ची, और नीचे आया था काम खत्म हो जाता ना, फिर नीचे तारबंदी से उसमें रुक जाना पड़ता, नीचे तारबंदी से रुक जाता उसमें आके। चलो भाई, भैया कहाँ से आए, दोनों भैया, एक भैया और कल भी, कल देखा एक और भैया थे, तीसरा भी था, वो लोग कितने, सात लोग आए हो, अच्छा अच्छा ठीक है। जय बाबा श्री केदार, जय बाबा केदारनाथ की, जय बाबा केदार। लो भाई जी यहाँ पर भंडारा चल रहा है थोड़ा सा, ओ वाह, हेलो सर, तो भाई तो भाई इधर चल रहा है जी भंडारा, मैंने अपने मैंने आपको जाते हुए बताया था ना भंडारा चलता है, तो अभी वो चल रहा है, ठीक है। तो भाई चलते चलते अपने और भैया सब्सक्राइबर भैया मिले, भैया जी नमस्कार, नमस्कार, क्या नाम भैया जी, मनीष, मनीष भैया हरियाणा से हैं, और भैया जी प्रसाद बांटे जा रहे हैं आज, तो भैया जी जा रहे हैं, क्या लॉजिक है, सेवा है, सेवा, अच्छा सेवा प्रभु की, अच्छा भगवान आपकी सेवा सफल करे भाई, ठीक है भैया, चलो जय बोले की। भैरवनाथ जा रहे हो, नहीं मैं दर्शन कराया, अच्छा यहाँ पे जो आ रहा है उनको प्रसाद बांटता है, अच्छा अच्छा यहाँ इसलिए रुके हुए हैं, वाह जी वाह, तो ये जी असली तन मन धन से सेवा, ठीक है जी, जय केदार, जय केदार। चलो भाई चले, चार बज चुके हैं भाई, दोबारा उसी ब्रिज के पास आ चुके जहाँ से भैरव बाबा की यात्रा शुरू करी थी भाई, और अपना मौसम हो चुका खराब, मतलब बादल बादल हो रखे हैं, तो ठंड एकदम से बढ़ गया, जब धूप होते तब तो मौसम रहता अच्छा, पर जब बादल हो जाते ना फिर तो ठंड बस पूछो ना भाई, ठीक है। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ, फिर उधर रूम में बैठेंगे, उसके बाद फिर 4:30 पाँच बजे के आसपास जाएंगे दोबारा बाबा जी के दरबार में, फिर वहाँ थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे क्या सिस्टम है भी, कब कपाट बंद होंगे, क्या होगा, सुबह कितनी जल्दी आना पड़ेगा, वो तब बताएंगे, फिलहाल अभी चलते हैं भाई।
बाबा छोड़ के चला गया भाई। तो अभी ना बाबा भैरवनाथ जी से आके ना अर्श भाई तो चले गए रूम की तरफ रेस्ट करने के लिए। मेरी वीडियो पेंडिंग रह गई थी, मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, तो मैं वीडियो अपलोड करने के लिए वापस इधर आ गया जिधर नीचे से आते हैं, क्योंकि यहाँ स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी। अभी 4:46 का टाइम हुआ है और अपनी 78% हुई है भाई, मतलब अभी 10-15-20 मिनट लग सकते हैं। तो 5 बजे का टाइम है, बाकी अर्श भाई की कॉल आई है कि मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूँ, अगर वहाँ कोई हलचल दिखती है क्लोजिंग की तो मैं कॉल करूँगा, आ जाना है, नहीं तो आराम से वीडियो अपलोड करके आना, ठीक है। अभी मैं धीरे धीरे मंदिर की तरफ चलता हूँ, तब तक शायद उसकी कॉल भी आ जाएगी, वीडियो अपनी अपलोड होती रहेगी। तो लो भाई कल को क्लोजिंग है ना, श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और जा भी बहुत ज़्यादा रहे हैं भाई, आज कल से ज़्यादा क्राउड है, कल थोड़ा कम था। अब जाते हैं मंदिर के पास। लो भाई ये छोटे छोटे ट्रैक्टर ना काफ़ी ज़्यादा दिखाई देने लग गए अब। भाई फिसल गया देखो, मैं क्या बोल रहा था, रिस्की काम है यहाँ से। लो भाई बहुत ज़्यादा रिस्की है, वापस चला गया था, पीछे ना चोट लग जाती, श्रद्धालु आ रहे थे। चलो चलते हैं, बर्फ बहुत ज़्यादा, देखो नीचे से बर्फ निकल गई है। लो भाई आज लास्ट दिन है हमारा यहाँ पर, तो शाम को भगवान जी के दर्शन कर लो, उसके बाद ओपनिंग के टाइम अगर भगवान जी ने बुलाया तो जरूर आएंगे। इधर लाइन लगी हुई है, अच्छा लंगर चल रहा है, मैं सोच रहा यहीं से लाइन शुरू हो गई है भगवान जी के दर्शन करने के। हर हर महादेव। आज फिर ना दिवाली जैसी रोने को रखी है भाई, उन्ने ही क्राउड, ये तो कल नहीं था। लाइन देखो वहां तक लगी हुई है, चल रहा है इधर सिस्टम। भाई जी क्लोजिंग सेरेमनी के ना कुछ अंश शुरू हो चुके हैं भाई, दर्शन करो। बहुत समस्या आ रही है, लोग घेरा बड़ा कर नहीं रहे और उनका जो प्रदर्शन करना ना वो हो नहीं रहा भाई, आर्मी वाले बेचारे परेशान हो गए हैं। लो भाई पटाखे ना चलाने की वार्निंग दे दी है, अभी जो पकड़ा गया तो कार्रवाई होगी। भाई जी इधर एक मंदिर है, इसके मैंने दर्शन किए ही नहीं है, इसके दर्शन करके आते हैं, उसके बाद वहाँ सेरेमनी से चल गई, दोबारा फिर वहाँ चलते हैं भाई। तो भाई जी उधर भी दर्शन कर लिए, वहाँ ऊपर देखते हैं। आर्मी वाले भैया से पूछा, भैया जी डोली सुबह किन्ने बजे निकलेगी, वो बोल रहे सुबह 8 बजे निकलेगी, तो आज नहीं निकलेगी।
ठीक है भाई, कल 8 बजे से पहले पहले पहुंचना पड़ेगा। मास्टर जा रही है अभी तक, अभी जो आर्मी वाला बैंड था वो तो जा चुके हैं, अब एक और बैंड आएगा। बैंड नहीं मतलब ड्रम सिस्टम कुछ है, मैंने देखा नहीं है, अर्ष भाई ने शायद देखा कुछ नहीं है। ठीक है ठीक है, शायद उज्जैन वाला कुछ ऐसा सिस्टम है, वो भी दिखाएंगे। मैंने सोचा अभी सब कुछ फिनिश हो गया, बट अभी बहुत कुछ बाकी है भाई, मजा आने वाला, एंडिंग देखना मस्त रहेगी भाई। लो भाई गेट क्लोज होने वाले हैं, बस बंद 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 लो। भाई जी बाबा केदारनाथ जी के ना आज के कपाट बंद हो चुके, सुबह 2 बजे दोबारा खुलेंगे और कल शायद आखिरी कपाट होंगे, जो एक बार बंद हो गए तो उसके बाद खुलेंगे सीधा 6 महीने बाद। भाई रात के लगभग 9 का टाइम हो चुका है, मैं अपने होटल पे पहुंच चुके हैं। भाई अर्ष भाई वहीं रुक गए, वो बोल रहे हैं अगर कुछ रात को प्रोग्राम होता तेरे को कॉल कर दूंगा, नहीं तो तू आराम से सो जाना। कुछ गैजेट वगैरह चार्ज लगा रखे हैं और कुछ और लगाने हैं, मतलब पावर बैंक वगैरह फोन वगैरह सब कुछ चार्ज करके रखना, क्योंकि कल यहाँ से निकल जाना ना। तो अर्ष भाई बोल रहा तू तब तक सारा कंप्लीट कर ले, तब तक मैं यहाँ पर बैठता हूँ कुछ भाई बंधुओं के पास, अगर कुछ प्रोग्राम हुआ अच्छा सा रात को तो मैं कॉल कर दूंगा, तो उसी टाइम आ जाना, नहीं तो आराम से सो जाना, मैं अपने आप आ जाऊंगा। तो भाई मैं बैठा बैठा वीडियो एडिट कर रहा था, अर्ष भाई की कॉल तो आई नहीं क्योंकि यहाँ कुछ प्रोग्राम नहीं था, तो मेरे को लग रही प्यास बहुत ज़्यादा, पानी पीने आया था तो पानी पीते भाई, बट मेरे को उम्मीद है पानी पिया नहीं जाएगा क्योंकि पानी ठंडा इतना है भाई। और बाह सारे सुर खोलने वाला पानी है, बर्फ का पानी है, ज़्यादा नहीं पिया जाएगा बट इतना पी लेते कि रात को प्यास ज़्यादा ना लगे, नहीं तो बहुत प्यास लगी, बहुत रखी थी पानी की, कोई उठा के ले गया पता नहीं लगा। भाई प्यास लगी है इसलिए इतना बार बार पिया जा रहा है, अगर प्यास ना होती ना हाथ भी नहीं लगाया जाता। चलो भाई हो गया, फिलहाल एक बार रात के दर्शन भी करा ही देते हैं। चेक करो दरवाजे सारे बंद है भाई, इधर से भी और उधर से भी। हर्ष भाई पता नहीं किधर बैठे हैं, चलो उसको करने दो एंजॉय, जहाँ भी बैठे हैं कुछ भाई लोगों के पास ही बैठे होंगे, अपने आप आ जाएंगे। मैं तो चलता हूँ दोबारा रूम पर, बाकी रात को कोई प्रोग्राम नहीं होगा मेरे हिसाब से, वीडियो एंड कर ही देनी चाहिए। लो भाई जी ऐसा कुछ माहौल है, ठीक है भाई आज की वीडियो को एड कर देते हैं, अगर कुछ हुआ दिखाने का दोबारा आऊँगा, नहीं तो बस वीडियो को एडिट करके आराम से सो जाऊँगा, सुबह आएंगे 5-6 बजे यहाँ से। तो ठीक है दोस्तों ये था आज का छोटा सा सफ़र और कुछ केदारनाथ भगवान जी के क्लोजिंग के कुछ व्यू पॉइंट और बाकी दिखाएंगे कल को। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।